नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आपका इस छठ सीरीज मिनी ब्लॉग में। तो आज का दिन बहुत खास है। आज वो दिन है जिसका सबको इंतज़ार था। आज सुबह सुबह ठकुआ बनाया जाएगा, क्योंकि आज है संध्या अर्घ। तो आज संध्या अर्घ की तैयारी चल रही है, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना मैं कर सकूँ मैं करूँ, क्योंकि इस पूजा में आप जितना काम करो उतना ही पुण्य मिलता है, उतना ही फल मिलता है। वैसे ही पाप मैंने बहुत किए हैं, तो थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाए मुझे भी। मजाक कर रही हूँ, मेरे मेहनत का फल मिल जाए बस। यहाँ पे नल खुल गया था, अचानक पानी पानी हो गया, पापा उसी को ठीक कर रहे हैं। मुझे हंसी आ रही थी बहुत। और ये बहुत सारे फल थे चार अरग के हिसाब से। और यहाँ पे मैं पापा से बात कर रही हूँ, अदरक और हल्दी सेम सेम लग रहा था, क्योंकि सब पे एक एक डालना होता है, तो मुझे लग रहा था शायद कम हो। अब पूजा होने वाली थी, पापा को लग रहा था अब तो मम्मी से वो सुनेंगे, पर नहीं, बच रहे हैं, वो ठीक था। ये बहुत भारी था, लेकिन फिर भी मैंने उठा लिया, क्या ही बोलूँ। और ये जय बाहुबली। यहाँ पे घाट बनाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि छत पे ही ये कुछ बना हुआ था, तो इसको पापा लॉक कर रहे थे ताकि पानी ना गिरे। ये मम्मी पिठार पीस रही हैं, जो कि घाट पे बनाने में काम आता है, वो कुछ बनता है, अभी बनाएंगी वो। हमने घाट बनाई है कैसे कैसे, ओ गॉड, मतलब बन गई बस। पहले ऐसा था कि लोग घाट पे जाके करते थे नदी के पास, कोरोना के बाद से सब छत पे ही करने लगे हैं। और मम्मी जब से शुरू की हैं, मतलब घर पे 2 साल हुआ है, ये दूसरा साल है। इससे पहले हम नानी के यहाँ करते थे घाट पे जा कर के। ये गन्ना अटक ही नहीं रहा था इस गमले में, मतलब क्योंकि गमला छोटा छोटा था, इतना ये गन्ने भारी थे ना, पूछो मत। फिर हमने कैसे कैसे इसमें ईंटा लगा करके उसको अटकाया। और ये हो रही है तैयारी साँझ वाले पूजा की, जिसमें डाले सज रहे हैं, अरग सज रहा है। ये तो है मेन, बहुत के तो 10-12 होते हैं, हमारे 4 थे, हो गए सब अच्छे से। और ये मैं सोच रही हूँ कैसे कैसे डेकोरेट करूँ, क्योंकि घर पे कर रही थी, घाट बना रही थी, तो इसीलिए। और यहाँ पे ना बहुत ही बुरा हुआ, बहुत बुरा। मम्मी उदास हो गई थी, मम्मी को भी बहुत बुरा लगा, मुझे भी, क्योंकि उधर घाट बन रहा था, मैं उधर बिजी थी, मम्मी इधर कर रही थी, इस चक्कर में हो गया। अब मैं वीडियो करती होती तो बच जाता। अब देख लो ना, मम्मी ऐसे निकाल रही हैं, इसलिए क्योंकि गलती से ना इसमें चीनी चला गया चावल की जगह, उन्होंने देखा नहीं, ध्यान भी नहीं दिया। और इसमें चीनी नहीं पड़ता है, वो अशुद्ध होता है, क्योंकि मैंने बताया था खरना में भी जो है खीर गुड़ का बना था, ठकुआ भी गुड़ का ही बनता है। पर कोई नहीं, फिर वापस से मम्मी ने निकाल के सब रेडी करा और ये तैयार हो गया हमारा डाले। और यहाँ पे घाट बन चुका था, इसमें पानी डालना था, जो कि हम डाल रहे थे। अभी मम्मी आके इसमें खड़ा होंगी और पूजा होगा। इसने कुछ करा नहीं, मैंने बोला इसी को समेट दे। और ये किट्टू, इसने भी कुछ नहीं करा, बस परेशान करने के अलावा नहीं, इसने बहुत हेल्प करा है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत समझदार है मेरी किट्टू। मम्मी ने बोला थोड़ी देर के लिए इसको भी दिखा दो, तो ये वही घाट दिखाने लायक थी जो कि वो देख रही है। वाह, कितना अच्छा घाट बनाया तुमने, ये क्या है, ये क्या है? मेरी बहन बता रही है कि अलता है, तो ये कह रही है मैं लगाऊंगी, वाइट से रेड हो जाएगी। मैंने पूरी कोशिश करी है, घाट बहुत सुंदर दिखे। बाकी सब छठी मैया को मेरे तरफ से अर्पित है। और ये मम्मी पिठार का बना रही है जो बोला था मैंने। और ये मैं आपको घाट दिखा रही थी, मेरे अगल बगल छतों पे भी घाटें बनी हुई थी, और यहाँ मेरे छत से घाट भी दिख रही थी, नदी, जो कि मैंने आपको कोशिश करी है दिखाने की, पर वो दिख नहीं पाया। और ये अब पूजा स्टार्ट होने वाली थी शाम वाली, तो आप पूजा देखो। अब मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। आप सबको ढेर सारा प्यार, हैप्पी छठ।